जेंटलमैन नमस्कार। मुकेश फैंस क्लब की ओर से आप सभी का तहदिल से स्वागत करते हैं इस साल के तीसरे शो और मुकेश जी की श्रद्धांजलि के दिन पर आप सभी मुकेश फैंस का हम तहदिल से स्वागत करते हैं। संगीत की ये खूबसूरत शाम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है ईश्वर वंदना के साथ, तो आज भी इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे ईश्वर वंदना से। गुड इवनिंग, नमस्कार। मुकेश फैंस क्लब की ओर से आप सभी का मैं परिशी वर्मा इस खूबसूरत शाम में तहदिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी से निवेदन है जल्द से जल्द अपना स्थान ले लीजिए। संगीत की ये हसीन शाम की शुरुआत बस होने ही जा रही है। मुकेश फैंस क्लब का साल का ये तीसरा प्रोग्राम है और आशा करते हैं कि ये पूरे साल का सबसे खूबसूरत और यादगार प्रोग्राम रहे, क्योंकि आज मुकेश जी की पुण्यतिथि है और आप जैसे हजारों मुकेश जी के फैंस साथ मिलकर आज दिल से उन्हें याद करते होंगे। लेकिन आज हमारा भी ये सौभाग्य है कि आपके साथ मिलकर उस दिग्गज कलाकार को दिल से याद करने का मौका हम सबको मिला है। आज मुकेश जी के गाए हुए कुछ खूबसूरत नगमों को, उनकी खूबसूरत यादों को आपके साथ हम बांटने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पहले ही गाने से इस तरह आप हमारे साथ जुड़ जाएं कि मुकेश जी की रूह जहाँ कहीं भी हो उन्हें हमारे प्यार का एहसास हो और वो हमारे प्यार को महसूस कर सके। आज की इस खूबसूरत शाम में मैं आप सबके सामने इनवाइट करना चाहती हूँ उस कलाकार को जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के लोगों को, लोगों के दिल में ही नहीं लेकिन विश्व में जितने भी भारतीय रहते हैं, जितने भी हिंदुस्तानी रहते हैं, उनके दिलों में मुकेश जी को जिंदा रखा, वो आवाज़ आज आपके सामने रूबरू होने जा रही है। जिस म्यूज़िक डायरेक्टर्स, जिस एरा के म्यूज़िक डायरेक्टर्स के हम गाने सुनते हैं उनकी भी अब ये
लाइन हो चुकी है कि मुकेश जी की आवाज़ सही मायनों में अगर किसी ने जिंदा रखी है तो वो एक ही शख्स है, और वो हम सब के चहीते आज आपके सामने अपनी आवाज़ से अपने आइडल अपने गुरु मुकेश जी को दिल से श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं। आपकी ढेर सारी तालियां चाहूंगी। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश, मिस्टर मुख्तार शाह। नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय जलाराम। आप सबका बहुत 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 स्वागत है आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम पूरा हाउसफुल है, सीट्स जो खाली हैं वो थोड़ी देर में भरेंगी। वैसे हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि मुकेश फैंस क्लब का प्रवीण भाई जो प्रोग्राम हो, कमेटी मेम्बर हैं आप तो जानते हैं कि हम हमेशा 9 बजे प्रिसाइज शुरू करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं के संगीत के चाहने वाले सभी लोगों को जो अहमदाबाद शहर इसके लिए जाना जाता है, क्योंकि इतने सारे संगीत के यहाँ क्लब्स चलती हैं, तो जो वक्त हो जो उस पर लिखा गया है टिकट पे या एडवर्टीजमेंट में दिया जाता है, तो उसी वक्त पे प्रोग्राम शुरू हो, ताकि जो लोग वक्त से आते हैं उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़े। जो लोग देर से आएंगे उनके 2-3 गाने जाएंगे, कोई बात नहीं। तो आइए, हम पहला गाना मुकेश जी की याद में आज का ये प्रोग्राम है। मुकेश जी की डेथ एनिवर्सरी है आज के दिन, 42 साल मुकेश जी को गुजरे हो चुके हैं, तो उनकी याद में आज की ये महफिल। हर साल हम इसी तारीख के आगे पीछे अरेंज हमेशा करते हैं, आज इत्तेफाक से इसी दिन हमने ऑडिटोरियम बुक किया, और हमने सोचा कि उसी दिन प्रिसाइसली आज हम मुकेश जी को श्रद्धांजलि दें। श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, लेकिन मुकेश जी के सभी मूड्स के गाने होंगे, उनके गीतों को हम सब मिलकर याद करेंगे। और मुकेश जी एक ऐसी आवाज़ थे कि जो हमेशा अपने गीतों के जरिए और आवाज़ के ज़रिए संगीत के चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। मुकेश फैंस क्लब हमारा ये 6ठा साल है, और इस साल का ये 3रा प्रोग्राम हम आपकी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए पहले गाने से शुरुआत करते हैं, धरती कहे पुकार के फिल्म से ये गाने। Oh,
दर्द लगे होने, ओ मजे में सवेरे तलक यही गत को बजने दो, गाओ के झूम झूम खुशी की वो रात आ गई कोई गीत जगने दो, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, प्रकृति और संगीत ये दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है और प्रकृति कई सारे नए सुर ताल और शब्द को जन्म देती है और इन सब से बनता है संगीत। प्रकृति के कुछ ऐसे भी राज हैं जो हम आम इंसान समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उससे जुड़े संगीत को हम बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला जो गाना है वो भी कुछ ऐसा ही गाना है जो आपको ये दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देगा और फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि इतनी तादाद में आप आज सही मायनों में मुकेश जी को दिल से याद करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला नगमा फिल्म अनोखी रात, रोशन साहब का खूब ही बहुत ही प्यारा सा लोकप्रिय गीत है, आप सबकी जुबान पे बसा हुआ ये नगमा है। आशा करते हैं कि आप सबको हमारा ये प्रयास ये नगमा बहुत पसंद आएगा। आइए सुनते हैं। और इस गाने में मुख्तार जी का साथ देंगे हमारे कोरस सिंगर्स। मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ ऑन स्टेज। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर विनीत जी, रूपा जी, सुरभि, मौसम एंड शिवम। ये जो गाना है अनोखी रात से फिल्म में संजीव कुमार जी पर फिल्माया गया और कई सारे लोगों का बहुत पसंदीदा गाना है, इसी तरह से फिल्म एक्टर आमिर खान का भी अपना फेवरेट गाना है। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में,
कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में सूरज को धरती तरसे धरती को चंद्रमा धरती को चंद्रमा पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा प्यासी हर आत्मा उमित वारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में होठों पर क्यों पहचाने गीत है पहचाने गीत है कल तक जो बेगाने थे जन्मों के गीत है जन्मों के गीत है उम्मीदवारे कल तक जो बेगाने थे कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में मुकेश जी का जन्म जो है वो 22 जुलाई 1923 के दिन दिल्ली में हुआ था और मुकेश जी का देहांत 27 अगस्त 1976 के दिन अमेरिका के डिट्रॉइट शहर में हुआ। कुल ज़िंदगी जो मुकेश जी की थी वो 53 साल 1 महीना और 5 दिन की। इस दौरान में मुकेश जी ने 36 साल फिल्मी दुनिया में बिताए हैं और अपने इस पूरे कैरियर में उन्होंने 1038 गाने गाए हैं। इतने गाने गाकर भी जो शोहरत उनकी रही जो पॉपुलैरिटी रही कि आज उनको गुजरे 42 साल हो चुके हैं लेकिन उनके गाने आज भी हमें उतना ही सुकून देते हैं उतना ही आनंद देते हैं। शुरू में वो दौर था 1941 का जब मुकेश जी फिल्मी दुनिया में आए थे। उस दौर में जो फिल्म के हीरो हुआ करते थे वो अपने लिए खुद ही गाने गाते थे। 2-3 फिल्में मुकेश जी की आई एज ए एक्टर जिसमें उन्होंने अपने लिए खुद गाने गाए। फिल्में बहुत सक्सेस नहीं हुई और उन्होंने पहला प्लेबैक जो दिया वो 1944 में गाना था दिल जलता है तो जलने दे आंसू न बहा फरियाद न कर। फिल्म थी पहली नज़र अनिल विश्वास जी का संगीत था तो पहला उनका जो प्लेबैक किया हुआ गाना है वो आपको सुनवाते हैं। दिल जलता है तो जलने दे आंसू न बहा फरियाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे तू पर्दा नशी काया आशिक है यूं नाम वफा बर्बाद न कर। तू पर्दा नशी काया आशिक है यूं नाम वफा बर्बाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे मासूम
चलाए। बिस्मिल को बिस्मिल और बना मासूम नजर के तीर चला। बिस्मिल को बिस्मिल और बना अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाद न कर। अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाद न कर। दिल जलता है जलने दे। हम आस लगाए बैठे हैं तुम वादा करके भूल गए। हम आस लगाए करके भूल गए। या सूरत आके दिखा जाओ या कह दो हमको याद न कर। या सूरत आके दिखा जाओ या कह दो हमको याद न कर। दिल जलता है दिल जलता है दिल जलता है। दोस्तों, जिंदगी का एक मोड़ ऐसा भी होता है जहां एक अजनबी इंसान अपना सा लगने लगता है। उसके होने से जिंदगी हसीन लगती है और उसके ना होने से ज़िंदगी बेरंग और बेमतलब सी लगती है। ऐसे ही किसी अपने को शायद हम महबूब कहते हैं। ऐसा महबूब जब ज़िंदगी में हो तो हर एक शब्द जैसे शेर बन जाता है। अर्ज़ किया है, इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी कि हर लोग तुझे मेरा महबूब समझते हैं। अगला नगमा फिल्म पत्थर के सनम, गाना महबूब मेरे, आज की शाम का पहला दो गाना यहाँ से प्रस्तुत होने जा रहा है। और आज मुख्तार जी का साथ देने के लिए गुजरात की दो खूबसूरत आवाज़ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से पहली कलाकारा को आपके सामने मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ। कई गुजराती फिल्म्स और एल्बम्स में अपनी आवाज़ दे चुकी हैं, बहुत ही वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं। आपकी ढेर सारी तालियाँ चाहूँगी। प्लीज़ अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वेरी मेलोडियस वॉइस कोशा पंड्या। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे महबूब मेरे जो
तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब जी ने, हम सब जानते हैं, अपने करियर के सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं कल्याण जी आनंद जी के लिए। और मुकेश जी की आज जब हम श्रद्धांजलि पुण्यतिथि यहाँ पर मना रहे हैं, उन्हें दिल से याद कर रहे हैं, तो उनके साथ कल्याण जी आनंद जी को याद करना भी बनता है, क्योंकि मुकेश जी ने तो ज़्यादा उनके साथ काम किया ही है, लेकिन उनके भी फेवरेट सिंगर मुकेश जी ही थे और उनके लिए वो बहुत पजेसिव भी थे, हमेशा मुकेश जी का साइड लेते थे, मुकेश जी के लिए स्पेशली गाने अलग से कंपोज करते थे, उनको ध्यान में रखते हुए कंपोज करते थे। और हम गुजराती हैं इसलिए हमें ज़्यादा प्राउड होना चाहिए कि गुजरात की धरती से दो ऐसे शख्स भारतीय फिल्म जगत में थे जिन्होंने इतने सारे खूबसूरत गाने हमें विरासत में दिए। अगला जो नगमा हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो पिक्चराइज्ड भी है एक गुजराती हीरो पर, संजीव जी। तो गुजरातियों का बोलबाला हो रहा है इस गाने में और सोने पे सुहागा तीसरे मुख्तार शाह हैं जो इस गाने को निभाने जा रहे हैं। आज मैंने आपसे कहा था कि दो कलाकार हैं जो मुख्तार जी का साथ देने यहाँ पर आई हैं, एक से तो आप रूबरू हो चुके हैं, अब दूसरी एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से आपसे मिलवाना चाहती हूँ। ये भी गुजरात की बहुत ही जानी मानी आवाज़ है, लता जी आशा जी के नगमों का जब भी जिक्र होता है तो इंटरनेशनली भी उनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, और आज मुख्तार जी का साथ देने वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी ढेर सारी तालियां चाहूंगी, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वेरी ब्यूटीफुल वॉइस ज्योति क्रिश्चियन। ज्योति जी के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। आइए सुनते हैं आज की शाम का ये दूसरा। तो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों की
के दो फूल प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी सांसें महकी महकी, तेरी जुल्फों में खुशबू का डेरा, तेरा महके अंग अंग जैसे सोने में सुगंध, मुझे चंदन बन से क्या लेना होती है, तो मुकेश जी के नगमों के लिए आनंद जी भाई सबसे पहले मुख्तार जी को ही याद करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम जिनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं वो सभी लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं। मैं चाहूँगी इस बात के लिए मुख्तार जी के लिए ज़बरदस्त तालियाँ होनी चाहिए फॉर दिस अचीवमेंट। और गुजरात में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे कलाकार अब तक हुए हैं जो इस मकाम तक पहुँचे हों, सो कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू यू मुख्तार भाई। अब आगे चलते हैं, एक और बहुत ही खूबसूरत गाना आपका इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, प्यार की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि जिस ज़माने के हम गाने सुन रहे हैं उस ज़माने में प्यार करना बहुत बहादुरी का काम होता था, क्योंकि प्यार को पाने के लिए समाज से, दुनिया से, लोगों से काफ़ी लड़ना पड़ता था, झगड़ना पड़ता था, तब जाके प्यार को हम हासिल कर पाते थे। वो ज़माना और था, लेकिन ऐसे प्यार करने वाले हमेशा अपनी एक नई दुनिया बसाने का ख्वाब रखते थे। ऐसी दुनिया जहाँ पर लोग सिर्फ प्यार की भाषा समझते हों, जहाँ ये नियम कायदे के कांटे ना हों पर प्यार और मोहब्बत के फूल हो। लेकिन ऐसी दुनिया सिर्फ ख्वाबों में मुमकिन हो पाती है, हकीकत में ये मुमकिन हो ये थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है। अगला नगमा भी बहुत ही खूबसूरत नगमा है। मैं चाहूँगी फिर से एक बार कोशा यहाँ पर आएं और मुख्तार जी का साथ दें अगले गाने में। अ वंडरफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म उजाला। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर।
दास्तां है ना गम की दास्तां है, हर कोई जिसको समझे वो प्यार की जुबां है। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। कहेगा हंस कर सीने पे हाथ रख कर, वो जा रहे हैं देखो तो प्यार करने वाले। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। थैंक यू। गाने, ये जो रोमांटिक गाने आप सुन रहे हैं, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, गौर किया अगर आप लोगों ने होगा तो आपको भी पता है कि ये सारे जो रोमांटिक गाने फिल्मों में भी होते हैं वो शादी से पहले के ही होते हैं। ये सारे गाने जो भी आप सुन रहे हैं, जो हमने गाने गाए हैं, ये सारे गाने फिल्मों में भी शादी से पहले के ही बताए जाते हैं। शादी के बाद उन लोगों को पता है कि सबका एक्सपीरियंस बहुत डेंजर है, तो शादी के बाद के रोमांटिक गाने फिल्मों में भी नहीं आते हैं। मुकेश जी की आवाज़ चाहे दर्द भरी गीतों के लिए बहुत जानी गई, लेकिन मुकेश जी ने काफ़ी सारे रोमांटिक गाने भी गाए हैं। और एक, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम उनके श्रद्धांजलि स्वरूप रखा गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके गाने आपको सुनवा सकें। तो अगले जो चार गाने हों बैक टू बैक रोमांटिक गाने मुकेश जी के, लेकिन एक एक अंतरा होंगे वो चारों गानों के, ताकि ज़्यादा गाने हम शामिल कर सकें। पहला गाना जिससे हम शुरू कर रहे हैं वो कभी कभी फिल्म से है, और ये भी एक मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि एक ऐसा मौका मुझे बम्बई में मिला कि जब अमिताभ बच्चन सामने बैठे हुए थे और मुझे ये गाना गाने का उनके समक्ष मौका मिला। तो ये गाना मेरे दिल के वैसे भी बहुत करीब है, तो ये गाना हम शुरू करें। उसके साथ साथ फिल्म में कभी कभी आपने देखी अलग अलग जगह पर अमिताभ बच्चन के कई सारे डायलॉग्स थे, उसमें से एक डायलॉग, और उसके बाद ये गाना शुरू करेंगे। उसके बाद नॉन स्टॉप चार गाने। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, और तुम नहीं होती तो मेरे पास पैसा होता है। नहीं, वो टेलीविजन पे जो बोलते हैं वो वाला डायलॉग। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओ में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की सियाही जो दिल पे छाई है तेरे नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है।
सबसे पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयां सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयां सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात
चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत
गानों की मेडली यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट की गई। मुकेश जी के सही मायनों में कुछ यादगार नगमे हमने यहाँ पर इंजॉय करे। दोस्तों, बारिश का मौसम है, सावन का महीना चल रहा है। वैसे तो भारतवर्ष के कई ऐसे जगह है जहाँ पर इस बारिश ने कहर बरसाया है, लेकिन अहमदाबाद शहर ने अब तक वो बारिश का मज़ा नहीं लिया है जिसका हम हमेशा इंतज़ार करते हैं। वैसे पानी वाली बारिश तो हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन सुरों की बारिश ज़रूर इस मन से हम कर सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर बरखा रानी को याद करते हैं और उसे कहते हैं कि ज़रा जम के बरसो। फिर से एक बार मुख्तार जी हैं आपके साथ इस खूबसूरत नगमे को लेकर। हमारी ये जब प्रोग्राम मुकेश फैंस क्लब के होते हैं, क्योंकि मेंबर्स तो वही के वही होते हैं हर शो में, तो हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा गाने ऐसे लें जो पिछले शोज़ में हमने नहीं लिए। कभी कभी उसके लिए इतनी स्टडी करनी पड़ती कि जितनी स्टडी एसएससी में भी हमने नहीं की थी। सो आइए गाना। आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहूंगी सभी म्यूजिशियंस के लिए एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। मिस्टर संदीप कृष्ण और उनकी फैंटास्टिक टीम आज सभी सिंगर्स को सपोर्ट कर रही है। अगला जो नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो भी आपका बहुत ही पसंदीदा नगमा है, वो मैं जानती हूँ। और जब भी ये गाना हम सुनाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं ये उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ गाना है, या जो गाने के बोल हैं उनको वो खुद महसूस कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इस गाने के साथ रिलेट करते हैं। गाना मैं राज रखना चाहती हूँ। ज्योति जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और आप सबका सबसे पसंदीदा नगमा आपकी नज़र करें। बहुत ही खूबसूरत है, मैं चाहती हूँ कि इसे सिर्फ सुनिएगा नहीं, दिल से इस गीत को महसूस भी कीजिएगा। Mm-hmm.
और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। Yeah।